नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण पवार स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो काफ़ी यूनिक होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है हम एक नहीं बल्कि मल्टीपल बिजनेसेस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो है 4 से 5 बिजनेसेस के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है जब मैं वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो होते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जो होते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि उनको बिजनेस तो करना है लेकिन एग्जैक्टली आइडिया नहीं होती सर जी उनको कि कौन सा बिजनेस करे। या तो फिर किसी को बिजनेस करना होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट के कारण, कम पूंजी के कारण जो है वो बिजनेस नहीं कर पाते। तो यही जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि कम पूंजी के कारण हो गया या तो फिर बिजनेस आइडिया ना होने के कारण, तो इसी क्वेश्चंस का आंसर के लिए हमने जो है आज का वीडियो प्लान किया है। और इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं, तो ये जो बिजनेसेस होने वाले हैं आप जो है अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, राइट सर जी? आप जो है दोस्तों आपके घर से जो है 20,000 की पूंजी से लेके 50,000 की पूंजी तक ये बिजनेसेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसे है दोस्तों, इसको ना ही आपको कोई शॉप लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है बड़ा कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको बहुत स्किलफुल होने की ज़रूरत है। ये जो बिजनेस है काफ़ी आसान है दोस्तों, बस आपको जो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। और इस वीडियो में जो है जिस जिस बिजनेसेस के बारे में बताया जाएगा उसमें से आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगता है उसका ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे। तो दोस्तों इसी बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी के लिए आज जो है हम दिहर गिफ्ट्स में आ चुके हैं दोस्तों, और दिहर गिफ्ट्स से हमारे साथ में अग्रवाल सर जी है। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। नमस्कार अग्रवाल सर जी। नमस्कार। तो अग्रवाल सर जी, जैसे कि हमने अभी बताया कि हम जैसे बात भी कर रहे थे कि जो व्यूवर्स होते हैं उनको जो है कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बिजनेस करे, तो मैंने देखा कि आपके यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए कि अगर किसी को 20 से 50 हज़ार की रेंज में बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस कर सकता है। जी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका बजट 20,000 तक का ही है तो एक मग प्रेस मशीन आती है। अच्छा, मग प्रेस मशीन। जी, मग प्रेस मशीन आती है। इस मग प्रेस मशीन में आप जितने भी तरह के जो सब्लिमेशन मग्स जो हम प्रोवाइड करेंगे वो आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको एक मग के, ये मग प्रेस के साथ साथ आपको एक प्रिंटर भी लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। उसमें इंक है, सब्लिमेशन इंक डलती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो सेटअप है 20,000 के अंदर अंदर आप आराम से घर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और प्लस इसमें इसकी जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छी है। जैसे इंडिविजुअली बहुत सारे लोग मग बनाते हैं जो गिफ्ट्स दिया जाता है, बर्थडे या फोटो वगैरह होता है, उसी टाइप के मग। यस, वही मग है। प्लस कॉर्पोरेट्स में भी आपको बल्क ऑर्डर मिलते हैं, जैसे किसी का 100 पीस का ऑर्डर आया, किसी का 500 पीस का ऑर्डर आया। तो अगर इसको अच्छे से मार्केटिंग की जाए और अगर इसका मतलब बराबर तरीके से अगर किया जाए तो इसका अच्छा खासा ग्रोथ है इसमें भी। राइट। अगर किसी का बजट 30 से 40 हज़ार का है तो ये हम लोग बोलते हैं इसको 5-in-1 मशीन या कॉम्बो हीट प्रेस मशीन। 5-in-1 मशीन। 5-in-1 मशीन, क्योंकि इसमें 5 अटैचमेंट्स हैं। 5 अटैचमेंट्स। हाँ, एक पहला ये हीट प्रेस मशीन होता है, फ्लैट हीट प्रेस मशीन। ये 2 मग के 2 अटैचमेंट्स हैं। अच्छा। ये 2 हैं, प्लस एक कैप का है और एक प्लेट का, डिश वॉशर की प्रिंटिंग के लिए भी एक ऑप्शन है। तो ये जो मशीन है प्लस इसका जो प्रिंटर, वो जो बाकी रॉ मटेरियल, ये 30 से 40 हज़ार तक के बजट अगर अपना है तो आप ये आपके शॉप है तो शॉप से कर सकते हो, या फिर घर है तो घर से भी कर सकते हो। क्योंकि ये सिंगल फेस लाइन पे चलती है, सिंगल फेस पे चलते तो घर में से आराम से चल सकते हैं। जी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। फिर जो तीसरा जो सेटअप है हमारे पास में, ये मोबाइल कवर प्रिंटिंग से रिलेटेड है। जैसे इस टाइप के जो प्लास्टिक मोबाइल कवर्स आते हैं, अच्छा, ये प्रिंट अगर उनको करना है तो वो इस मशीन में जा सकते हैं। इसका बजट करीब करीब 50 से 60 हज़ार तक का अगर बजट है उनका तो ये चीज़ वो स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगेन, ये भी सिंगल फेज लाइन पे चलती है, तो घर से करना है, शॉप से करना है, वो उनके ऊपर है। फिर जो नेक्स्ट मशीन है, इसको हम लोग लेज़र मशीन बोलते हैं, CO2 मशीन। अच्छा। इसमें आप जो कर सकते हो, ये A4 साइज़ की मशीन है। तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जैसे इस टाइप के गोल्डन पैनल्स मोबाइल के पीछे लगते हैं, ये स्क्रीन गार्ड मोबाइल के आगे लगता है, ठीक है, 9 इंच जो हमने किया है। प्लस ये 2-in-1 फोटो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें अगर अपने को करनी है, प्लस एनग्रेविंग के कुछ भी काम करना है आपको, कीचेन पे, पेन पे, या बहुत सारी मटेरियल्स पे एनग्रेविंग का काम होता है, तो वो छोटे लेवल पे, क्योंकि A4 से बड़ी बड़ी मशीन भी आती है, लेकिन इसका ये कैसा है कि ये मान के चलिए आपका 60-70 हज़ार के अंदर अंदर आपका ये काम स्टार्ट हो जाता है।
और जो फिर नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर और प्लस प्लॉटर का, तो उसमें कैसा है कि जिसमें इस टाइप के जो मोबाइल के पीछे ये स्क्रीन चिपकती है, ठीक है, इस टाइप की स्क्रीन्स होती है जिसको हम लोग एम्बोस स्क्रीन बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिंटेबल स्क्रीन बोलते हैं। तो ये जो स्क्रीन चिपकती है प्लस, और जैसे इस टाइप की आप देखिए स्क्रीन्स बहुत सारी हमारे पास में स्क्रीन्स हैं जो कि कस्टमर्स मतलब आप कस्टमर्स को यहाँ पे पीछे लगा के दे सकते हो। किसी का कस्टमाइज फोटो लगाना हो या कोई चीज़ लगानी हो तो इस मशीन से इस मशीन ये जो प्लॉटर मशीन्स हैं इनकी रेंज कैसे है कि जैसे किसी को मान लीजिए 20-30 हज़ार में भी है, कोई 30-40 हज़ार की भी है, तो डिपेंडिंग उनकी रिक्वायरमेंट कैसे है। अगर मान लीजिए किसी का बजट ही 30 हज़ार का है तो फिर वो सॉफ्टवेयर और प्लस लेज़र ये जो प्लॉटर है वो हम लोग उसी हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं। बट ये मान के चलिए कि 30 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक के बजट में वो ये मोबाइल स्क्रीन का जो काम है, जैसे ये कस्टमाइज्ड हमने किया हुआ है, इसमें फ़ोटो लगी हुई है प्लस उसको लेमिनेट किया हुआ है, तो अगर आप देखोगे ये चीज़ को तो इस टाइप की चीज़ें भी ये मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक प्लॉटर लगेगा और एक सॉफ्टवेयर लगेगा, बाकी रॉ मटेरियल लगेगा। सो 30 से जो भी 40-50 हज़ार का जो भी बजट है उसमें ये काम भी वो कर सकते हैं। मोबाइल स्क्रीन में बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास में जो वो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जैसे A4 साइज में चाहिए, मीटर में चाहिए, उस हिसाब से वो ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक सब्लिमेशन की बात हुई तो सब्लिमेशन में देखिए स्टोन फ्रेम्स हैं जो कि 5-in-1 मशीन में हमने प्रिंट किए हुए हैं। तो सर जी स्टोन फ्रेम मतलब ये जो है इसमें बनाया गया है, ये 5-in-1 मशीन में हमने प्रिंट किया हुआ है। अगर और ये स्टोन में बनाया गया है, पूरा स्टोन के ऊपर प्रिंट किया गया ये, लेकिन जो मटेरियल आपको मतलब जो सब्लिमेशन ब्लैंक्स बेचते हैं उनसे ही आपको लेना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा नहीं कि बाहर में कहीं से भी आपने स्टोन लिया हो, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ अलग तरह की आती है, इसमें सब्लिमेशन कोटिंग होती है जिसकी वजह से ये प्रिंट आता है। अच्छा। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये सब्लिमेशन स्टोन्स हुए, फिर यहाँ पे जो मग्स की जो अपन ने बात की थी, अलग अलग तरह तरह के मग्स हैं यहाँ पे। मैजिक मग है जिसमें आप गर्म चीज़ डालते हो तो वो इमेज दिखती है। अच्छा, तो गर्म चीज़ डालने के बाद में इमेज दिखती है, वो इमेज दिखती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छा खासा सेल होता है। ये ग्लास फ्रेम्स हैं जिसमें पीछे की तरफ से हमने प्रिंट किया हुआ है, ये ग्लास आइटम है। अच्छा, पीछे की तरफ मतलब। फिर अगर आप बात करें इस टाइप के लैंप आइटम्स हैं हमारे पास में, ये LED फ्रेम्स हैं, ठीक है, मिरर फ्रेम्स हैं। ये जो आइटम्स अभी हम देख रहे हैं सर जी एक वीडियो में, तो ये सारे आइटम जो है अभी हमने जो मशीन देखी उसी में बनाए। 5-in-1 मशीन से जो है हम बहुत सारी चीज़ें हम जो है बना सकते हैं दोस्तों। और भी काफ़ी मशीन्स के बारे में सर जी ने हमें बताया, तो उनसे जो है अलग अलग जो है प्रोडक्ट चीज़ें बनती है दोस्तों। तो आप बताइए कमेंट में कि आपको जो है कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी और कौन सा बिज़नेस के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी चाहिए। इस टाइप के स्कूल बैग्स हैं, ये स्कूल बैग्स भी बन जाते हैं सर जी इसमें। जी जी, ये स्क्रोलर्स हैं, स्क्रोलर्स में अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के हैं, जो पहले इनविटेशन कार्ड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हमारे पास थीम के ऊपर प्रिंटिंग, इनको खाली प्रिंट करना है बस डिज़ाइन के हिसाब से। तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, मतलब अगर कोई व्यूअर है, अगर किसी को सपोज एक प्रोडक्ट नहीं चला तो दूसरा भी बना सकता है, या तो फिर इसमें बस क्रिएटिव होना चाहिए। बंदा अगर क्रिएटिव है तो वो सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्मेंट है ही नहीं। अगर आप देखो कि 2-3 लाख का तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, 20-20 हज़ार से 50 हज़ार के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि, और हमारी तरफ से पूरी गाइडेंस मिलती है उनको, मार्केटिंग स्टडीज ही हम लोग समझाते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं और पूरा सपोर्ट सिस्टम हमारा रहता है ताकि वो कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। तब जैसे कि सर जी बोल रहे हैं कि सर मतलब आप जो है अगर कोई व्यूअर ये वीडियो देख उनको जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना है और वो मशीन लेता है, तो उसके साथ साथ आप जो है उनको शुरू से पूरा अंत तक का गाइडेंस देते हो, मतलब कैसे जो है प्रोडक्ट बनाना जी, ऐसा नहीं कि खाली मशीन आपको दिखा दिया, गर्म करके दिखा दी, बस दे दिया। बहुत सारे लोग वैसा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं। हम आप आओगे, हम आपकी पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे कि आपका क्या है, क्या नहीं है, क्या बजट है, कहाँ पे आप करने की सोच रहे हो, उसी हिसाब से हम आपको एक सजेशन देते हैं, उसी हिसाब से हम आपको पूरा वर्कआउट करके आपको बताते हैं, पूरी ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। पूरा रॉ मटेरियल के बारे में समझाया जाता है कि आपको कैसे प्रिंट होता है, किस में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या उसका सॉल्यूशन है, और प्लस हमारी तरफ से पूरा ऑन कॉल आपको वीडियो कॉल के ऊपर में पूरा सपोर्ट रहता है इन सब चीज़ों के लिए।
तो दोस्तों कहते हैं ना कि किसी चीज़ का अगर आपको सीखनी है, कोई चीज़ अगर आपको सीखनी है तो जो उस चीज़ में जिसने महारत हासिल की है उनसे सीखो। तो जैसे हमारे साथ में अग्रवाल सर जी, वो काफ़ी सालों से बिज़नेस कर रहे हैं और अगर आप जो है उनसे ये चीज़ सीखोगे तो आप जो है बिज़नेस में जो है बहुत कम जो है फेल्यूर्स का सामना कर पाओगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने जो है आपको कम से कम 5 से 6 आइडियाज़ के बारे में बताया, जैसे कि मग प्रिंटिंग हो गया, ग्लास प्रिंटिंग हो गया, टी शर्ट प्रिंटिंग हो गया, साथ ही साथ मोबाइल कवर प्रिंटिंग हो गया, पिलो प्रिंटिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको जो है सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा बिज़नेस आइडिया लगा, तो हम आपको जो है उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको जो है उस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए जो है डेमो बताएंगे कि इसमें जो है प्रिंटिंग कैसा है, पूरा डिटेल बताएंगे कि जो है ए से लेके जेड तक पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन से वीडियो के ऊपर डेमो चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।